आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चौक चौराहा। चौक चौराहा इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोतीपुर प्रखंड के शिशुआ गांव में। तो इस समय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव की गूंज चारों तरफ मोहल्ले चौक चौराहों पर सुनने को मिल रही है। आखिरकार जनप्रतिनिधि के द्वारा क्या कुछ उपलब्धि कराया गया और क्या कुछ किसानों की समस्या है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो इस वक्त तस्वीर देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं यह शिशुआ गांव की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसानों की फसल बरसात के पानी में डूबकर बिल्कुल नष्ट होती नजर आ रही है। तो यह तस्वीर मोतीपुर प्रखंड के कुरीगांव पंचायत के शिशुआ गांव की है। किसानों की फसलें बरसात के पानी में बिल्कुल डूब चुकी है, फसलें बिल्कुल नष्ट हो रही है। इससे किसानों को तकरीबन लाखों से अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बताते चले कि पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक किसानों के ऊपर समस्या ही समस्या लगातार आती नजर आ रही है। तो इस वक्त हम जानेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है। बताइए, लगातार बारिश हो रही है, फसल डूब गई है, कोई सुधि लेने आया है कि नहीं अभी? कोई नहीं आया यहाँ, ना कोई हम लोग का खबर लेने आ रहा है, ना कुछ बता रहा है। और सारा ही खेत डूब चुका है, ना फसल हुआ, पूरा फसल खराब हो चुका है। उसके बदले में ना कोई आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद में अब क्या होगा, तो पढ़ाई वाला के हाथ में है। बस हम लोग पढ़ाई वाला के हाथ से जिंदा ही है। देख रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं ले रहा है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, नहीं हुआ इसके हम लोगों को। तकरीबन कितना के फसल आपका नष्ट हुआ? मोटी धर लीजिए कि लाखों का फसल नुकसान है। और क्या कुछ समस्या है यहाँ पे, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आप लोग को कुछ मिलने आए हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। यहाँ रोड भी इतना खराब है कि कह नहीं सकते हैं, पानी ही पानी है रोड पे, चारों तरफ ही पानी। तो इनका कहना है कि बिल्कुल अभी तक कोई जनप्रतिनिधि सुधि लेने तक नहीं आए हैं। किसानों की फसल लगातार पिछले 3 सालों से इसी तरह बरसात के पानी में नष्ट होती है और पंचायत चुनाव भी सामने करीब है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि इनका सुधि लेने तक नहीं आया। किसान यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि 3 साल से लगातार जो हम लोग फसल नुकसान हो रहा है, ये तो कभी इसका कुछ उपाय हुआ ही नहीं। इसके बाद जो है देखिए, सारा सड़क जल जरा पड़ा हुआ है, घर में ठंडा हुआ पानी घुस गया। हम लोग क्या करें, हम लोग को तो सरकारी अनुदान भी नहीं मिल रहा है और इससे 3.5 साल से लगातार बारिश से सारा खेती नहीं नष्ट हो गया, एक धान नहीं हो पाला है, पूरा नदी लगा पूरा खेत हो गया है। दूसरी बात है कि यहाँ का जो है घर घर में पानी घुस गया है, अभी भी ठंडा हुआ पानी मिला करते हैं। और देखिए मेरा यहाँ के सड़क का स्थिति खराब है, यहाँ का न कोई नेता सुनता है, न कोई मतलब यहाँ कोई कोई काम करने वाला कोई नहीं। हाँ, यहाँ के व्यवस्था हुआ जाए, सड़क का कुछ व्यवस्था किया जाए। और दूसरी बात है जो यहाँ का जो है सारे गांव में, हम लोग कोई गांव पंचायत में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। 1-3 साल से हम लोग अनुदान के लिए दरखास्त दिए, उसका भी निरस्त कर दिया गया है। हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इसलिए कुछ सुनवाई होना चाहिए ताकि किसान को कुछ अनुदान मिल सके। इसलिए हम लोग फसल तो नष्ट हो ही गया, सरकार की तरफ से भी कुछ इसका मिलना चाहिए जो हम लोग भरपाई कर सकें, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, पूरा बर्बाद हो ही गया। और कुछ नहीं है, अब रह के गया जहाँ बारिश से लगातार बारिश से तो घर में पानी घुस गया है। पंचायत चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगा दी गई है और जनप्रतिनिधि घर घर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में उन जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे में जनप्रतिनिधि तो हमारे तो हम लोग से कोई इस बात में कोई सूचना नहीं है। ऐसे आते हैं जाते हैं, लेकिन इससे कोई हम लोग के पास नहीं है, कोई सूचना नहीं है। जहाँ कुछ हम लोग को अनुदान मिले, चाहे कुछ उसका बात को आगू पहुँचाया जाए, इसको भी तो होना चाहिए, जहाँ इस बात को आगू पहुँचाया जाए, इस बात को हम लोग से फायदा मिला, सरकारी मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली की क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? बिजली बंद आता है तो लगातार 2-3 दिन पानी ही बिजली बंद हो जाता है। इसके लिए सरकार तरफ से मिट्टी तेल भी बंद हो गया है, इसलिए हम लोग को कुछ रात में नहाना अंधेरा में रहना पड़ता है। लो वोल्टेज की भी शिकायतें आती है? लो वोल्टेज, काफी लो वोल्टेज है। तो यहाँ के किसान हैं जो बता रहे हैं कि चुनाव की तो बिगुल बज चुकी है, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जा रहे हैं और अपना वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव की ये किसानों की जो समस्याएं हैं उन पे उनका नजर नहीं पड़ पा रहा है। तो आइए हम दूसरे किसान से बातचीत करेंगे और उनका हाल जानेंगे, आखिरकार उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है। हम लोग का यही हाल है कि जो चारों तरफ पानी पानी भर रहा है और खेती पूरा 2-3 साल से पूरा बर्बाद हो चुका है। लगा रहे हैं, पानी इतना हो जा रहा है, सड़क पर पूरा धान नष्ट हो जा रहा है, इसलिए कि बार बार फसल हो रहा है और ख़त्म हो जा रहा है। करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरा दबाव पानी से इतना हो जाता है कि पूरा खेती नष्ट हो जाता है, यही कहना है। क्या मांग करते हैं आप सरकार और प्रशासन से? मांग यही होता है कि ये फसल पूरा नष्ट हो जाता है, कि कुछ हम लोग का कुछ मिले, कि हम लोग जीवित रहें। पूरा
कुछ कुछ यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ के किसानों का कहना है कि लोग अपने फसल का मुआवजे का मांग करते हैं। और तस्वीरें देखिए, बिल्कुल हम एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीर देखिए यहाँ की, क्या हालातें हैं, लोगों की समस्याएं हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल यह तस्वीर एक किसान के खेत की तस्वीर है जो बाढ़ की जैसी रूप ले ली है। तो एक तौर से कहा जा सकता है कि किसानों की हालात कितना दयनीय होगा, ये सोचा जा सकता है। तो आप तस्वीर देखिए, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पे इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है, किसान के खेत की तस्वीर है। यहाँ फसल लगाई गई थी काफ़ी, तकरीबन किसान बता रहे हैं कि तकरीबन 70 एकड़ जमीन में लगाई गई फसल इस सिसवा गांव की बिल्कुल नष्ट हो गई है। तब देखना बहुत लाजमी होगा कि आखिरकार सरकार कब तक सुनवाई लेती है। तो हमारे साथ बने रहिए और एक झलक हम आपको फिर से इस सड़क वाली तस्वीर पे हम आप दिखाएंगे। है सड़क की तस्वीर देखिए, सिसवा से महमदा जाने वाली ये सड़क है। यहाँ की क्या कुछ हालातें हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो एक तौर से कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक इस सड़क का पक्कीकरण नहीं हो पाया है। चुनाव के समय चुनावी बिगुल बजती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं और चुनावी मुद्दा बना करके वोट मांगते हैं, और चुनाव बीतने के बाद फिर दोबारा उनका दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो तस्वीर देखिए, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो एक किसान से हम बात करेंगे, एक यहाँ मौजूद हैं एक ग्रामीण, उनसे बात करते हैं कि सड़क से आने जाने में इधर से परेशानी भी होती है क्या आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में, पक्का तो है नहीं। बाइक से चाहे साइकिल से जाने में, पैदल जाने में पैर स्लिप करता है, आदमी गिर भी जाता है क्या? जी गिर जाता है, साइकिल से पैदल भी, बाइक से भी गिर जाता है आदमी। तो यहाँ की तस्वीर देखिए, हम आपको तस्वीरों से लगातार रूबरू करा रहे हैं। तस्वीर है सिसवा गांव, हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है। रात के रात में कोई मतलब दुर्घटना होती है तो जाने आने में दिक्कत होती है, मुजफ्फरपुर मोतीपुर जाना पड़ता है। अस्पताल नहीं है? जी नहीं है, मेरे गांव में सिसवा गांव में अस्पताल नहीं है। तो इस सबसे बड़ी बात अभी ये बताए हैं कि इस गाँव में आज तक अस्पताल की व्यवस्था, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो फिर हम दूसरे ग्रामीण से बात करेंगे कि आखिरकार रात विरात में जब गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको परेशानी होती होगी, तो वे लोग कैसे उसका सामना करना पड़ता होगा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। इस गांव में अस्पताल नहीं है तो कैसे आप लोग रात विरात में रहते हैं? यहां का जो स्थिति बहुत दयनीय हो गया है, रात विरात के हम लोग को इमरजेंसी होता है तो कहीं से गाड़ी मंगाना पड़ता है, नहीं आता है। बहुत 4-5 बार फोन करने पर भी गाड़ी नहीं मिल पाता है। यहाँ के जो लेडीज लोग है, लेडीज लोग को रात बरात में कहूँ दिक्कत तो बहुत परेशानी पड़ना पड़ता है। यहाँ इस पंचायत में सुनने में आया है लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं कि हाँ सिसवा गांव में एक हॉस्पिटल है तो, और सरकारी हॉस्पिटल मोतीपुर में पड़ता है, साहेबगंज में पड़ता है, यहाँ से काफ़ी दूरी पर 10 किलोमीटर बाल्टी में दूर है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग को ये सरकार से निवेदन है कुछ इसके लिए हम लोग को व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग सही सलामत रहे, और रात बरात में कोई इमरजेंसी होता है तो फिर भी बहुत मोती को मुझे उप जाना पड़ता है। कोरोना के टीकाकरण अभी हो रहा है क्या अपने गाँव के सभी लोगों को? पड़ गया कि बाकी भी है लोग? बहुत लोग बाकी भी है, अभी पड़ा कहाँ आया तो फिर भाग गया, यहाँ पर कोई पड़ा नहीं। यहाँ सारे गाँव के लोग कोई मोतीपुर जा रहा है, कोई मैसी जाकर ले रहे हैं, यहाँ सिसवा में कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए भी कोई सरकार की तरफ से हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन हम बहुत परेशान में है, और सारे किसान लेडीज लोग को बहुत परेशानी है। जेंट्स तो जाकर कहीं से ले सकता है, लेकिन लेडीज लोग जो है काफी परेशानी होकर मतलब परेशान हो गया कि हम कहाँ जाए, लेडीज को जाने के लिए सवारी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो इनका कहना है कि वैक्सीनेशन भी आधा अधूरा इनके गांव में हुआ है और यहां जो जनप्रतिनिधि है वो पूरा भी अब तक नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर संपूर्ण देश में वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है और इस गांव के लोग आज तक टीकाकरण से वंचित है, बहुत बड़ी सवाल है और इस पे तो सरकार को काफी एक्शन लेना चाहिए। सड़क से आने जाने में गिरते भी हो? हाँ गिरते भी है, सड़क बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो बिल्कुल ये लड़का जो बता रहा है कि पैर फिसल जाती है सड़क से आने जाने में और लोग गिर भी जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं। मुझे इस लड़का का कहना है कि सड़क बनना चाहिए चूंकि पंचायत चुनाव से पहले। तो यहाँ की तस्वीरों से हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं चौक चौराहे के इस प्रोग्राम के माध्यम से। ग्रामीण स्तर की समस्याओं को लगातार उठाई जा रही